नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज 24 दिसंबर है और यह दिन बेहद ही खास है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इस खास दिन की। हम बात करेंगे उपभोक्ता दिवस जो हम राष्ट्रीय तौर पर मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई, और हमारे जो अधिकार हैं, उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे विशेष अतिथि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवजी मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहली जो बात है वो है कि इस दिन की शुरुआत कब हुई। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों मनाया जाता है, क्या खास है इस दिन में, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 1986 से शुरू हुई, क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को ही ये राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और पूरे देश में इस नियम को लागू करने के पीछे ये कारण था कि बाज़ार में उपभोक्ता और उत्पादक, इन दोनों के बीच एक काफ़ी असमानताएं चल रही थी, ये उपभोक्ताओं का शोषण चल रहा था। इसलिए 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और उसी दिन से इस 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने की हमारी प्रथा चल रही है। जी, अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है क्या, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कई आंदोलन हुए, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा। जी, बहुत बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया है आपने। ये सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये बाज़ार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बाज़ार है मार्केट, और उस मार्केट में उत्पादक और उपभोक्ता, ये दो होते हैं। उत्पादक यानी कि मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, जब कोई व्यक्ति, कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति किसी वस्तु या सेवाओं की खरीद करता है, केवल वस्तु की नहीं, सर्विसेज की भी वो खरीद करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। हमने देखा है कि 1955 से लेकर के और 70 के दशक में तो काफ़ी ज़्यादा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाने लगा, तो उस समय ये आंदोलन एक चला, बहुत असंगठित आंदोलन था, लेकिन देश भर में इसकी प्रथा चली कि उपभोक्ताओं का शोषण ना हो, इसके लिए सरकार पर दबाव भी दिया जाने लगा। सरकार पर दबाव देने के बावजूद भी भारत की सरकार कोई कानून लेकर के नहीं आई। 1955 में एक बार इसी एक्ट बना जिससे काफ़ी नियंत्रण हुआ, मूल्यों पर नियंत्रण हुआ था, वो उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते हैं। बाद में वेट्स एंड मेजर एक्ट बना 1976 में। 1986 में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ऐलान किया और इस प्रकार उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए जो अधिनियम बना उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। उपभोक्ताओं से कई तरह के उनमें शोषण किया जाता रहा है, शोषण के रूप में मिलावटी सामान, अल्ट्रेटेड गुड्स दिया जाता था, कम तौल दिया जाता था, वस्तुएं जिस दाम पर लिखी होती हैं उससे ज़्यादा दाम बढ़ा कर लिया जाता था, तो इस प्रकार उपभोक्ताओं का जो एक शोषण हुआ करता था उनके हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। सर, आपने शोषण की बात की, अलग अलग प्रकार से जो है उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है या अनभिज्ञ हैं उसके बारे में, तो आज इस खास दिन मैं चाहूँगा आप उन उपभोक्ताओं के लिए, उनके अधिकार क्या क्या हैं, उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं जी, क्या जी, उनके अधिकार हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं अपने जो अधिकार है उससे, जिसकी वजह से वो शोषण के शिकार होते हैं, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी, उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए जो आपने ये प्रश्न किया उसमें ये बहुत ही है सही प्रश्न है। उपभोक्ताओं के कई तरह के अधिकार हैं। वस्तुओं में उसको देखना होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी पोटेंशी क्या है, और उसको उपभोक्ता को ये अधिकार है कि हाउ टू गेट हिम एजुकेट, उसको कैसे शिक्षा दी जाए, ये भी अधिकार है। दूसरा अधिकार है कि इस तरह की सारी वस्तुओं से मैन्युफैक्चरर अगर अपने आप को सुप्रीम समझता है कि हम इस बात से नहीं डरते हैं, तो उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो हमारे यहाँ न्यायालय बने हुए हैं, कंज्यूमर फोरम्स बने हैं, उसमें जाकर के वो अपना वाद दायर कर सकता है,
उसमें केस फाइल कर सकता है। केस फाइल करने में कोई बहुत तुल तड़का नहीं है, उसमें बहुत सिंपली एक सादे कागज पर लिखकर भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वे सारे मामले जाते हैं जो डिस्प्यूट 1 करोड़ रुपये तक का है। पहले ये 20 लाख रुपये हुआ करता था, लेकिन अब 2019 में इसको बढ़ाकर के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ रुपये तक का वाद जो है वो हमारे उपभोक्ता, देश भर के हमारे उपभोक्ता इसको ला सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के बीच तक ये स्टेट कमीशन बना हुआ है, स्टेट कमीशन में उस वाद को ला सकते हैं। अगर डिस्प्यूट का मैटर 10 करोड़ तक के बीच का है उसको पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं हम, और उसके बाद 10 करोड़ से ऊपर ये नेशनल कमीशन में मैटर को लाया जा सकता है। वहाँ से भी अगर निराकरण नहीं हुआ तो सबसे ऊपर बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेशनल कमीशन के बाद हमारे सारे उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि वो वस्तुओं की गुणवत्ता को जांचे, उसकी कीमत को जांचे, और कम तौली जो ये प्रथा चलती है उसको जांचे, मिलावट अगर की गई है तो उसको भी देखें, और इन सारे मैटर्स को लेकर के वो अपने जिस तरह का ज्यूरिस्डिक्शन है, पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन कहने का मतलब कि मनी का ज्यूरिस्डिक्शन। अगर आप हमने 30 लाख रुपये का सामान खरीदा है तो ये 30 लाख रुपये का मामला हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, 1 करोड़ तक का मामला जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर स्टेट कमीशन में जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे उपभोक्ता इस प्रकार के कंप्लेंट को कर सकते हैं। उसमें मामूली फी लिया जाता है, कोर्ट फीस के नाम पर मामूली फीस लिया जाता है, उस फीस से वो उसको फाइल कर सकते हैं। जी जी सर, आपने जो अधिकार है उसके बारे में बताया और किस तरह से वो कंज्यूमर फोरम में जाकर जो है आवेदन वो दाखिल कर सकते हैं। सर, कंज्यूमर की अगर उपभोक्ता की बात करें तो रक्षा के अधिकार की बात करें तो कानूनी जो चीज़ें हैं आपने बताई, अगर कोई दोषी पाया जाता है मैन्युफैक्चरर या जो भी इस संबंध में दोषी पाया जाता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है उन लोगों के लिए, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चीजें होगी, वो भी बहुत जरूरी है। जी जी, मैं चाहूंगा आज के इस खास दिन आप हमारे जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1986 में जो हमारा एक्ट बना था उसमें किसी भी प्रकार का कोई सजा की प्रावधान नहीं थी, लेकिन 2019 में जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना उसमें सजा का प्रावधान है। अगर कोई गलत एडवर्टीजमेंट देता है कि फलाना फलाना वस्तुएं खरीदें तो इससे आपको ये हो जाएगा, वो गलत भ्रामक विज्ञापन जो देते हैं उसको कहेंगे भ्रामक विज्ञापन, उस पर हमारा ये रूल बना हुआ है CCPA रूल। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसमें अथॉरिटी को ये पावर वेस्ट किया गया है, तो उसमें इनको 2 साल तक की सज़ा, अगर गलत पाए गए तो 2 साल की सज़ा, और इनको 1 लाख रुपये तक का फाइन हो सकता है। तो ये अभी प्रावधान 2019 में आया हुआ है कि इनको सजा भी होगी, इनको फाइन भी होगा। जी सर, 2019 की बात चल रही है, जो अधिनियम है 2019 में कुछ संशोधन किए गए, कई प्रकार के और भी संशोधन किए गए, इसमें कई चीज़ें जोड़ी गई, नई चीज़ें शामिल की गई, ई कॉमर्स को लेकर कई चीज़ें शामिल की गई, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप चर्चा करें, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें ई कॉमर्स की बात हुई है, अब तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स का भी एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है, जिसमें ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन टाइप के लोग अब दिल्ली में, पटना में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली से या कहीं से भी सामान मंगाता है, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन जो ये है, पहले ये होता था कि वेयर द सीट ऑफ द रेस्पोंडेंट इज लाइज वहीं ज्यूरिसडिक्शन बनता था। जैसे आपने दिल्ली में कोई सामान खरीद किया पटना से, ई कॉमर्स से मंगाया, तो दिल्ली में जाकर के अब आपको वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है, आप पटना के कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं, पटना के डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक बड़ा बल मिला हुआ है, और ऊपर से जो ये अथॉरिटी आई हुई है, ये अथॉरिटी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आई है, उस सेंट्रल अथॉरिटी है, इस सेंट्रल अथॉरिटी को ये पावर है कि इस तरह से अगर कोई भी गलफत करेगा, अब कर नहीं सकता, अब ये नहीं, कंज्यूमर्स यहाँ पीछे नहीं जा सकते हैं, कंज्यूमर्स को ये राइट है कि अगर वो पटना में बैठा है, रांची में बैठा है, बेंगलुर वाले पर केस करना है तो उसको बेंगलुर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्थान से बैठा हुआ उस पर केस कर सकता है, और केस करके उसको रेस्पोंडेंट को बुला सकता है, उस पर उचित पेनालिटी लग सकती है, या उनके बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो उसका कंपनसेशन मूल्य के वस्तु के साथ, उसको कंपनसेशन की व्यवस्था 2019 के एक्ट में की गई है। जी,
सर उद्देश्य की बात करें, आज ये जो खास दिन है उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये खास दिन मनाने का उद्देश्य क्या है और महत्व की बात करें तो क्या महत्व है इस दिन का? देखिए, पूरे बाजार में आपको ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है कि जैसे हम सारे लोग, हम सब लोग उपभोक्ता हैं, हम सब लोग उत्पादक भी हैं। उत्पादक इन द सेंस कि हम कुछ, जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो किसान भाई अपने यहाँ गेहूँ धान चावल उपजाते हैं, उसको बाज़ार में ले जाते हैं, बाज़ार में उसको बेचते हैं, और उसको बेचने के बाद अब उनको शर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कमीज की ज़रूरत पड़ती है। जब बेचते हैं तब तो वो उत्पादक हैं, और फिर वो कंज्यूमर बन के अपने बच्चों के लिए कॉपी कलम किताब पोशाकें खरीदते हैं, तब वो वहाँ उपभोक्ता हैं। तो इस स्थिति में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक सामंजस्य बने, पूरे देश में जो ये कालाबाजारी और जमाखोरी होती है उसको बंद करें, उद्देश्य यही है, कालाबाजारी और जमाखोरी को बंद करें। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जो हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, सारी वस्तुएँ एकदम एकाएक बढ़ गई थी, उनके दाम उनके मूल्य बढ़ गए थे। तो उसको रोकने के लिए उसमें क्या हुआ था कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो जमाखोरी कर लेते हैं, उसको कालाबाजारी करने के लिए वो जमाखोरी करते हैं, वो जमाखोरी करते हैं, मार्केट से वस्तु एकदम स्कर्सिटी हो जाती है, तब वो निकालते हैं उस वस्तु को बेचने लगते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में इस चीज़ को इसलिए मनाते हैं कि ये जमाखोरी, ये कालाबाजारी, ये बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, ये बड़े बड़े व्यापारी जो जमाखोरी और कालाबाजारी करके देश के लोगों को यानी उपभोक्ताओं को जो बढ़े हुए दामों पर चीज़ों को बेचते हैं वो बंद करें, और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पालन करें, जिससे देश में उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में एक सामंजस्य बने, उसमें कोई कॉर्डियल रिलेशन बना रहे, उसमें वो ठगे नहीं जाएं, उपभोक्ता ठगे नहीं जाएं, वो शोषण के शिकार ना हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाने का पूरे सरकार का, भारत सरकार का यही एक उद्देश्य है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम हमारे बीच में उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में सामंजस्य बना रहे। जी, भारत सरकार के द्वारा जो 24 दिसंबर को उन्होंने घोषित किया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर हम उन्हें मनाएं, कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर हम दिन खास दिन की बात करें, जो उपभोक्ता हैं वो अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं होते हैं या कई बार वो कई चीज़ों को अनदेखा करते हैं, तो मैं चाहूँगा उन उपभोक्ताओं का आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अधिनियम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते और कई बार वो बहुत चीज़ें नॉर्मल लेते हैं, तो किस तरीके से हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं? सरकार ने कई प्रयास किए हैं, कई कैंपेन चलाए हैं, कई स्कीम्स चलाई हैं उन्होंने, जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन वो चले हैं, सरकार कोशिश करती आई है और कहीं ना कहीं एक हद तक सफल भी हुई है। तो मैं चाहूँगा उन दर्शकों के लिए, उन उपभोक्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो अधिकार के बारे में नहीं जानते और जानना कितना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो उपभोक्ता हैं, करीब करीब 700 संगठन ऐसे हैं, 700 संगठन पूरे देश में अभी कार्य कर रहे हैं जो कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, जैसा आपने बताया कि जागो ग्राहक जागो, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के सिंपोजियम और वर्कशॉप चला करके हमारे सारे उपभोक्ताओं को ये जानकारी दी जाती है कि आप ठगे नहीं जाएं, आप शोषण के शिकार ना हों, इसके लिए उनको बताया जाता है कि किस तरह से किसी वस्तु का मूल्य जो निर्धारण है, या कोई सर्विसेज हम खरीदते हैं, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर ने हमारे सर्विसेज के लिए उसको हमने फीस दिया है, उसको पैसा दिया है, और उस फीस में किसी तरह की सफिशियंसी नहीं होती है, उसे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम उसके ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कंप्लेंट जब हम करते हैं तो उसमें ग्राहकों को, ये हमारे सारे उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि अगर डॉक्टर के किसी भी सर्विस से हम सेटिस्फाइड नहीं हों तो उसको करें। उदाहरण स्वरूप, किसी प्रेग्नेंट औरत को, कोई महिला जो गर्भवती है, वो जब डिलीवरी के समय में वहाँ जाती है और उसको डॉक्टर के द्वारा ठीक ढंग से नहीं होता है, उसका बच्चा मर जाता है या जच्चा मर जाता है, तो ये डिफिशियंसी ऑफ सर्विस कहलाती है, ये डिफिशियंसी ऑफ सर्विस में आती है। और इस तरह से कि ये एक एग्जांपल मैंने दिया, इस तरह की कई बातें होती हैं जो डॉक्टर लोग डिफिशियंसी ऑफ सर्विस कर डालते हैं।
सिमिलरली बड़े व्यापारी जो हैं वो जमाखोरी और कालाबाजारी करके मार्केट में उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर और बढ़े हुए कीमतों पर देते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा मेरे सारे उपभोक्ता दर्शक अगर इस बात को सुन रहे हों तो उनको जानना चाहिए कि उनके अधिकार ये हैं। वो चाहे तो कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे उनको कंप्लेंट अगर नहीं करें तो इसमें रिकॉन्सिलिएशन की भी बात आती है, जो एक्ट में बात बताई गई है कि उनके साथ बैठ करके उस मैटर को हम रिसॉल्व कर सकते हैं, उसको आपस में समझौता करके भी निपटारा कर सकते हैं। अगर इस समझौता निपटारा करने के लिए अगला पार्टी तैयार नहीं है तो हम उसमें निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को ये राइट्स है कि वो वाद दायर करके केस फाइल करके इसको निपटारा करवा सके। जी जी, उपभोक्ताओं के लिए एक और सबसे अहम चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब जैसे कुछ चीज़ें आपने पहले भी बताई कि ख़रीदारी करते वक्त हमें जो मिलावट है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर उपभोक्ताओं को जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो उन्हें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पहलुओं पर उन्हें अपने जो है वो जानकारी रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो उपभोक्ता को जो कोई भी सामान खरीदने जाता है तो उसको देखना है कि उसमें जो प्राइस कोट किया रहता है उस प्राइस कोट के मूल्य से ज़्यादा हम उसको ना दें। कई बार ये होता है कि प्राइस कोट कम किया रहता है और जो उत्पादक है या मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है, दुकान का इमीडिएट सेलर है, वो ज़्यादा दाम मांगता है तो वो ज़्यादा दाम तो कतई ही नहीं दें। कि बहुत सारी वस्तुएँ ऐसे होती हैं जिस पर कुछ परसेंटेज कम करके दी जाने की और बेचने की उसमें रहती है तो वो उसको कम दाम पर करा कर लें। उसका पोटेंशियल अगर कंपोजिशन उपभोक्ता समझता है, सारे उपभोक्ता तो नहीं समझते हैं कि उसमें व्हाट टाइप ऑफ कंपोजिशंस आर देयर इन द गुड्स, तो अगर कोई उपभोक्ता, बहुत सारे उपभोक्ता हैं हमारे पूरे समाज में लोग हैं जो कंपोजिशंस को उसके इंग्रेडिएंट्स को जान सकते हैं तो वो उसको जाने कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन है और उसकी पोटेंशी को जाने। उसके बाद उसके साथ एक पत्रक मिलता है कई वस्तुओं के साथ, जो उसी को कहते हैं कि हाउ टू एजुकेट द कंज्यूमर। उस कंज्यूमर को एजुकेट करने की ये विधा दी जाती है कि उस वस्तु के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में वो समझ ले। तो इस प्रकार कंज्यूमर्स को ये सारे राइट्स दिए गए हैं जिससे वो वस्तु को खरीदते समय वो जान सकता है। जी, आजकल सर ऑनलाइन का ज़माना है, जो लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे ऑनलाइन सेवाओं की आपने बात की, जैसे डॉक्टर से जो सेवा लेते हैं उसमें अगर कुछ त्रुटि आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वैसे ही सेवाएं कई प्रकार की हमें अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू मिलती हैं, तो उसमें अगर परेशानी आती है तो कई लोग हैं कि जाने देते हैं, कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे, सब इस तरह से की चीज़ें होती है, तो क्या करें उस वक्त उपभोक्ता कई बार परेशान होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है उसमें कोई परेशानी आती है, तो उस वक्त क्या करें उपभोक्ता? जी, मैंने पहले भी बताया आपको कि इस तरह का ई कॉमर्स का जो अभी प्रचलन बढ़ा हुआ है कि आप बैठे हुए हैं रांची में, पटना में, अपने जगह पर जहाँ भी बैठे हों और आपने लखनऊ से, दिल्ली से, बेंगलुरु से कोई सामान मंगाया, तो उसमें अगर डिफिशियंसी होती है, उसमें कोई डिफेक्टिव निकलता है, तो उसको पहले तो रूलिंग में बनाया गया है कि उसको इतने दिनों के अंदर उसको लौटाया जा सकता है। ये 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आया है, उसको आप माल को लौटा सकते हैं, उसकी वस्तु को लौटा सकते हैं। अगर आपने नहीं लौटाया, उसमें आपने डिफेक्टिव पा ही लिया, तो आप अपने जगह पर जहाँ पर आप रहते हैं उस अपने रेजिडेंस ऑफ एबोर्ड को, माने जिस स्थान पे आप रह रहे हैं उस स्थान से ही आप उस पर वाद दायर कर सकते हैं। आपको लखनऊ या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पटना में बैठे हुए हैं और पटना से कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप यहाँ से ही उस पर वाद दायर कर सकते हैं और कोई लेन देन जो किया है आपने। तो इस प्रकार ये उपभोक्ताओं को अभी काफ़ी सहूलियत दी जा चुकी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मुताबिक ई कॉमर्स जो ले आ करके, इसलिए उपभोक्ता को ये अधिकार अभी इनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है और इस सुरक्षा प्रदान की स्थिति में उपभोक्ता को ये और इनबोल्डेंड बनाता है कि अगर हम किसी प्रकार के शोषण के शिकार हो जाते हैं तो अपने बैठे हुए स्थान से, अपनी जगह से उस पर वाद को ला सकते हैं।
जी, एक अहम जो चीज़ है, एक अहम दस्तावेज भी कह सकते हैं कि वो रसीद जो है वो बहुत अहम किरदार निभाती है हर उपभोक्ता के जीवन में, क्योंकि जो भी परेशानी होगी, हमने वस्तु खरीदी, हमने सेवाएं ली, तो उसमें रसीद जो है वो अहम किरदार निभाता है। कई लोग हैं रसीद नहीं लेते हैं या कच्चा रसीद लेते हैं, जिसके बाद अगर उन्हें कुछ परेशानी होती है तो जो दस्तावेज़ है वो उनके पास नहीं रहता, और जो कंप्लेन दायर करना, तो उस वक्त उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो रसीद कितना अहम है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप जागरूक करें हमारे दर्शकों। रसीद तो बहुत ही आपने कहा कि कोई भी वस्तु की खरीद या सेवाओं की खरीद जब हम करते हैं तो डॉक्टर्स के मामले में उस प्रेस्क्रिप्शन को रखना, व्यापारियों से जो सामान हमने खरीदा है उसके रसीद को रखना, ये तो बहुत नितांत ही आवश्यक है। उसके बगैर तो आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे उपभोक्ताओं को चाहिए कि वो पक्की रसीद लें, और पक्की रसीद लेकर, ठीक है उसमें कुछ GST और SST लगता है तो उसको वो दें, लेकिन पक्की रसीद लें, क्योंकि पक्की रसीद के ही आधार पर उस उपभोक्ता को वो राइट बनता है कि उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान है तो नेशनल कमीशन में उस बात को लाने के लिए वो रसीद बहुत ही ज़रूरी है। जी, अहम दस्तावेज़ है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अहम दस्तावेज है, ध्यान रखना चाहिए। और सर, अगर जब हम दाखिल करने जा रहे हैं, अपना कंप्लेन दायर करने जा रहे हैं, तो रसीद के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, कंप्लेंट दायर करने में सबसे पहले तो है कि आपने क्या क्या खरीदारी की है, या जो भी सर्विसेज को हायर किया है उस सर्विसेज का पूरा विवरण दें, जिससे लिया है उसका एड्रेस दें, ठीक है, और उसमें वो अपना वो रसीद लगा दें। और बहुत एक मामूली सी, जैसे मैंने बताया कि मामूली 10-20 रुपये के उसमें स्टाम्प लगता है कोर्ट फी के नाम पर, तो उसको लगा करके वाद दायर करते हैं और रसीद दायर कर देते हैं, और अपनी घटनाक्रम को उसमें लिख देते हैं कि किस तरह से हमने ये शोषण का शिकार उपभोक्ता के नाते मैं हुआ हूँ, तो इस प्रकार वो कंप्लेंट इंटरटेन की जा सकती है और उस कंप्लेंट पर सुनवाई हो जाती है। जी, जो उपभोक्ता हैं, जो व्यक्ति हैं, वो खुद ही दायर कर सकते हैं, उसमें वकील की आवश्यकता की ज़रूरत है या खुद ही जो प्रक्रिया है वो खुद ही कर सकते हैं? देखिए, इस कंप्लेंट फाइल करने में वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उपभोक्ता चाहे तो एक पन्ने पर, एक सादे पन्ने पर वो सारी अपनी घटनाक्रम को लिखते हुए उस पर एक बहुत मामूली रकम का टिकट लगाते हुए उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, जहाँ भी उसका जुरिस्डिक्शन बनता हो लगा सकता है। वकील की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड हो तो अपने उस बात को रखने के लिए आप वकील रख भी सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मामूली सी बात है तो उसको अपने से भी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंज्यूमर्स अपने आके केस फाइल कर जाते हैं और केस फाइल करके वो निकल लेते हैं, उनको रिलीफ मिल जाती है। जी 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 सर, सेवाओं की बात करें, आपने डॉक्टर्स की सेवा की बात की, अगर हम बैंक सेवाओं की बात करें, बैंक भी कई तरह की सेवा प्रदान करती है, तो उनमें अगर परेशानी होती है तो कई बार जो है इंटर बैंक अगर कोई परेशानी होती है, ATM से विड्रॉ किया उसमें परेशानी होती है, तो उसमें उपभोक्ता क्या करे? कई बार परेशान होते हैं, जो बैंक है उन्होंने, जो उपभोक्ता उन्होंने विड्रॉ किया लेकिन जो पैसे हैं वो निकासी नहीं हुई, तो उसके बाद कई तरह की परेशानी होती है उपभोक्ता को, कई घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो भी जो राशि है वो निकलने वाली तो नहीं निकलती है, तो उस परिस्थिति में जो उपभोक्ता है अपने आप को किस तरह से संभाले, क्योंकि कई बार वो जो सिचुएशन वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो उपभोक्ता क्या ध्यान दे उस वक्त, किन चीज़ों पर उन्हें अहम ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, बैंकिंग सर्विसेज में अगर किसी प्रकार की डिफिशियंसी होती है तो वो लोग उपभोक्ता नहीं है, वो उपभोक्ता नहीं है, वो उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकता है, उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ बना हुआ है, वो CGM के यहाँ जाकर कंप्लेंट फाइल करे कि हमने ये किया है, या इस तरह का कोई सिविल वाद हो तो उसको सिविल कोर्ट में फाइल कर सकता है। कंज्यूमर्स का मतलब ये, कंज्यूमर्स का मतलब हमने आपको साफ साफ बताया कि द पर्सन हु यूजेस द थिंग्स और सर्विसेज, जो उसका उपभोग करे उसको कंज्यूमर्स कहते हैं। बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, उस बाजार में उत्पादक भी हम ही हैं, उपभोक्ता भी हम ही हैं, हम ही मतलब कि हमारे ही लोग हैं, किसान है, व्यापारी है वो उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है वो उत्पादक है, और वही किसान, वही व्यापारी, वही
क्या कहते हैं वस्तु बेचने वाला व्यक्ति उपभोक्ता बनकर के भी बाजार में जाता है। तो इस प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता ये बाजार में जो चलते हैं उनके लिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से लेकर के अपडेट 2019 तक बनाया गया है। और बैंकिंग सर्विसेज में अगर किसी प्रकार की किसी लोग की परेशानी है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ सिविल कोर्ट बना हुआ है, उसमें वो जा सकते हैं। सर, जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो कई चीज़ें मार्क की अगर बात करें, ट्रेडमार्क, एडमार्क, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ट्रेडमार्क एडमार्क की तो बात आपने सही कहा है। कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ताओं को शोषण करने के लिए ये कोई डुप्लीकेट टाइप का प्रोडक्ट बाजार में लेके आते हैं, लेकिन वो जब उसमें देखेंगे तो उसमें ICIC मार्क या भारत सरकार के द्वारा जो माने जो सैंक्शनड जो निर्धारित मानक हैं वो उस पे नहीं रहता है, तो उससे उपभोक्ताओं को बचना चाहिए क्योंकि वो डुप्लीकेट और इस पर कर जी जब भी हम खरीदने जाएं तो इन चीज़ों का हमें खास तौर ध्यान रखें, इस बात का ध्यान हम रखें। और इस बात के ध्यान रखने से ये होता है हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उपभोक्ता का शोषण नहीं होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इस विशेष दिन पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में बताया, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। दर्शकों, आज के अंक में हमने, आज के विशेष कार्यक्रम में हमने जाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जाना, उपभोक्ता दिवस के बारे में जाना जो राष्ट्रीय तौर पर आज 24 दिसंबर को हम मनाते हैं, ये सब तमाम जानकारी हमने अपने अतिथि के द्वारा प्राप्त की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।